नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भगवान की रथ यात्रा का नाम पतित पावन महोत्सव क्यों है? भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी की साल भर में 12 यात्राएं होती है। इनमें से रथ यात्रा सारे संसार में प्रसिद्ध है। इसे गुंडीचा यात्रा या घोष यात्रा भी कहते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का नाम पतित पावन महोत्सव क्यों है? कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य उन पतित जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ है जो उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। उनके कल्याण के लिए प्रभु मंदिर से बाहर निकलकर अपने दर्शन और कृपा से उनका कल्याण करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी भगवान जगन्नाथ पतित पावन के रूप में बैठे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर आए बिना भी उनका दर्शन कर सकता है। भगवान जगन्नाथ जी की आँखें बहुत बड़ी है। वे रथ यात्रा में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों पर कृपा दृष्टि डालकर उनके पापों का नाश कर संसार से उद्धार कर देते हैं, इसीलिए पतित पावन कहलाते हैं। रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के विग्रहों को छूने का सौभाग्य भक्तों को केवल रथ यात्रा के दौरान ही मिलता है। रथ पर आरूढ़ भगवान जगन्नाथ जी, जो कलयुग में साक्षात परमात्मा है, उनको स्पर्श करने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए रथ यात्रा को पतित पावन महाउत्सव भी कहते हैं। दारू ब्रह्म होने के कारण केवल काष्ठ से ही निर्मित होते हैं तीनों रथ। भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथों का निर्माण केवल काष्ठ यानी कि लकड़ी से होता है। किसी भी कील या धातु का प्रयोग इनके निर्माण में नहीं किया जाता है। जगन्नाथ जी के रथ को नंदीघोष कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का एक नाम पीतवास है, इसीलिए इनका रथ लाल पीले कपड़ों से सजाया जाता है। इस रथ के रक्षक गरुड़, सारथी दारुक और द्वारपाल जय विजय है और ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं। बलभद्र जी के रथ को तालध्वज कहते हैं। बलभद्र जी का एक नाम नीलांबर है, इसीलिए इनका रथ लाल और नीले वस्त्रों से ढका रहता है। इस रथ के रक्षक स्वयं वासुदेव है। रथ के सिरोभाग में अनंत नाग और रथ की रज्जू यानी कि रस्सी में वासुकी विराजमान रहते हैं। बलभद्र जी के रथ पर हल्की ध्वजा रहती है। सुभद्रा जी के रथ को देवदलन कहा जाता है। सुभद्रा जी का रथ देवी का रथ होने के कारण लाल काले वस्त्र से आवृत रहता है। इस रथ की रक्षिका जय दुर्गा है। स्वर्णचूर नामक नाग इस रथ की रज्जू बनते हैं यानी कि रस्सी बनते हैं। इसके सारथी अर्जुन है। ध्वजा पर त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। इन्हीं विशाल कय सुसज्जित रथों पर तीनों मूर्तियों को विराजमान किया जाता है, जिसे पहंडी कहते हैं। पहंडी के बाद पुरी के गजपति राजा प्रथम सेवक होने के नाते सोने की झाड़ू से प्रतीकात्मक रूप से रथों को बुहार कर चंदन छिड़कते हैं। इंद्रदेव भी प्राय मेघ वर्षा कर मार्ग में छिड़काव कर देते हैं। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के काठ के पहियों के विशाल रथ अपार जन समुदाय के कंधों पर धीरे धीरे चलते हैं। खींचने वाले रस्से पर हजार हजार बाहें गुत सी जाती है। बड़ी धूमधाम से रथों को सैकड़ों लोग खींच खींच कर गुंडीचा मंदिर यानी कि मौसी के घर तक ले जाते हैं। चारों ओर वातावरण में एक ही स्वर लहरी सुनाई पड़ती है, देखो रि सखी आज नैनो भरी हरि के रथ की शोभा। दूसरे दिन भगवान रथ से उतरकर गुंडीचा मंदिर में पधारते हैं। रथारूढ़ जगन्नाथ जी के दर्शन कर चैतन्य महाप्रभु के मन में गोपी भाव जागृत हो जाता था। वे स्वयं को गोपी मानकर रथ पर बैठे भगवान जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण समझकर नृत्य करते हुए भाव विभोर हो जाते और रथ की रस्सी खींचते हुए वह चेतना खोकर बेसुध हो जाते थे। गुंडीचा मंदिर यानी कि ब्रह्मलोक या जनकपुर। भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा से लेकर वापसी यात्रा तक यानी कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि से दसवीं तिथि तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। राजा इंद्रदुम की रानी गुंडीचा के नाम पर इस मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर हुआ। इसी गुंडीचा मंदिर में विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की दारू की प्रतिमाएँ बनाई थी, जिन्हें राजा इंद्रदुम्न ने प्रतिष्ठित कराया, इसीलिए गुंडीचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुर भी कहते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उत्सव क्यों मनाया जाता है?
रथ यात्रा उत्सव मनाने के कई कारण हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान ने राजा इंद्रदुम से कहा था कि उनका जन्म स्थान यानी कि गुंडीचा मंदिर उन्हें अत्यंत प्रिय है, अतः वे वर्ष में एक बार यहाँ अवश्य आएंगे। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी के यात्रा के लिए निवेदन करते समय यह कहा जाता है, प्रभु आपने पूर्व काल में राजा इंद्रदुम्न को जैसी आज्ञा दी है उसके अनुसार रथ से गुंडीचा मंदिर के लिए विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा दृष्टि से दसों दिशाएं पवित्र हो, सभी प्राणियों का कल्याण हो। आपने यह अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है, इसीलिए आप प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। रथ यात्रा उत्सव मनाने का दूसरा कारण है द्वापर युग से जुड़ा हुआ। एक बार द्वारका में सुभद्रा जी ने अपने भाई श्री कृष्ण से नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने रथों के मध्य में सुभद्रा जी का रथ करके उन्हें नगर भ्रमण कराया था। इसी प्रसंग की याद में पुरी में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारकावासी हो गए तो एक बार सूर्य ग्रहण के समय श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर आए। ब्रजवासी भी सूर्य ग्रहण के स्नान के लिए यहाँ आए थे। गोपियों का जब श्री कृष्ण से मिलन हुआ तो वे उन्हें वृंदावन ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण ब्रज लौटने को तैयार नहीं हुए तो गोपियों ने उनके रथ को खींचना शुरू कर दिया। इसी के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। स्कंद पुराण में रथ यात्रा उत्सव मनाने का कारण बताते हुए कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ जी मानव धर्म, मानव संस्कृति और विराट विश्व चेतना के साक्षात मूर्तिमान रूप है। समस्त मानव जाति को दर्शन देने, दुखी मनुष्यों का कल्याण करने और अज्ञानी तथा अविश्वासी लोगों का भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए जगन्नाथ जी वर्ष में एक बार अपने साथ बड़े भाई और बहन सुभद्रा को लेकर रथ यात्रा करते हैं। भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, साक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियाँ करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप मानते हैं। सबसे पहले मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी बिमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तरखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। यहाँ आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण बंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी कि 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधी का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव जी का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली में चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था, तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ बिमला और नाभि स्थान में भगवान जगन्नाथ रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। राजा इंद्रदुम्न ने बनवाया था यहाँ पे मंदिर। सपने में हुए थे भगवान जगन्नाथ के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रदुम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है।
उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नीलमाधव कहते हैं, तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उनमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गए और उन्होंने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। भगवान की रथ यात्रा यही संदेश देती है, यदि इस शरीर रूपी रथ पर श्री कृष्ण को आरूढ़ कर दिया जाए तो कंस रूपी पाप वृत्तियाँ अपने आप समाप्त हो जाएगी, शरीर और उसमें स्थित आत्मा स्वयं दिव्यता धारण कर लेंगे। तो बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में भगवान जगन्नाथ की जय अवश्य लिखें। साथ ही इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।